टीम साथियों, आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच उपस्थित साथी, मैं दो तीन बातों की ओर आपका ध्यान दिलाने की कोशिश करूंगा। देश में जगह जगह नारा लिखा रहता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो भूल जाते हैं और याद नहीं दिलाना चाहते बुद्ध की तरफ, जैन की तरफ, कहीं ऐसा ना हो कि बाबा साहब की तरफ ध्यान चला जाए। तो हमें इस नारे के अलग से सोचना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध जैन पारसी और ईसाई, नहीं तो वहाँ पर कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम भारत के चार सिपाही, क्या बुद्ध इस देश का बहुत बड़ा धर्म नहीं। भारत रत्न बाबा साहब ने जिसे फिर से इंट्रोड्यूस कराया, क्या वो चर्चा में आने के लायक नहीं। आरएसएस नहीं चाहती या दूसरे लोग नहीं चाहेंगे सत्ता में कभी भी रहें, लेकिन जिस मेंटेलिटी के लोग हैं वो ये नहीं चाहेंगे। तो हमें इस पर गौर करना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध जैन पारसी और ईसाई, भारत सबका है मेरे भाई, भारत के चार सिपाही, भारत सबका है मेरे भाई। क्योंकि आजकल भारत कोशिश की जा रही है कि हिंदू 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 बस, जबकि नारे में कहीं कहीं कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन कोशिश कुछ और ही करते हैं, इसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। फिर एक शब्द और चलता है, SC ST OBC, फिर जनरल, कभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हुआ करता था। हमें इस पर भी सोचना चाहिए, बाबा साहब ने SC कह दिया, SC ST OBC, तो हमारे साथ हमेशा जाति लगा होता है, शेड्यूल्ड कास्ट, OBC बैकवर्ड कास्ट, ST आदिवासी। जनरल में जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य हैं, हमें उनको भी जाति से ही पुकारना चाहिए, ब्राह्मण जाति, ना कि ब्राह्मण, BC ब्राह्मण कास्ट, KC क्षत्रिय कास्ट, वैश्य फिर BC, क्योंकि वहाँ पर कुछ और बात होती है और हमारी कुछ और बात। तो हमें मालूम होना चाहिए SC ST OBC 85 हैं, सिर्फ कहीं हम दूसरे तरीके से माइनॉरिटीज ना बने रहें, हमें मेजॉरिटी अगर हैं तो दिखना भी चाहिए, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से। लास्ट बात और है, 11/9 को एक प्रोग्राम हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक भाषण दिया 9/11 के नाम से। 9/11 में चूँकि शिकागो में विवेकानंद जी का भाषण हुआ था, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कार्यक्रम किया, 9/11 जिक्र किया बहुत ज़्यादा, लेकिन 9/11 बम पटकने से नहीं, अमेरिका में जो बम गिरा उससे नहीं, विवेकानंद जी के नाम से किया गया। और जिस चित्र पर, माल्यार्पण पर किया गया, जिसमें भारत माता दिखाई गई, उस भारत माता के हाथ में तिरंगा नहीं, भगवा था। ये इशारा समझ लीजिएगा कि क्या होने वाला है। और TV पे दिखा दिया गया, छात्रों से कहा गया, सब सुने और सब देखे, तो मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, इशारा समझिए, जिस माता के हाथ में तिरंगा नहीं, वो हमारी भारत माता नहीं। थैंक यू।